फिर पिथौरागढ़ टू झूलाघाट, झूलाघाट टू क्या कहते हैं नेपाल त्रिपुरा सुंदरी। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज है 31 अक्टूबर, दिन के 12 बजे आज का वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो मस्त सी धूप है, आज सुबह से बहुत बिजी था यार मैं। तो आने वाली है ट्रिप 2 दिनों बाद। फिलहाल आज का व्लॉग इस तरीके का है कि कुछ मेरे को जाना है गांव में, आज कुछ कार्यक्रम है ना, बरसी वगैरह, तो वहीं भोजन का है सीन। तो चलते हैं, मस्त सी धूप लगी है और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, साथ वाले कॉल आया था। चलो फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों जितने बार मैं निकलता हूँ ना घर से, ये पेड़ पे नज़र पड़ जाती है और देखो क्या ये लाल माल्टा हो रहे हैं। बिन्नू भाई चलो, धात लग गई है, बिन्नू आ नहीं रहा है। धात मतलब आवाज़ लग गई, आवाज़ थोड़ा पहाड़ी टोन आ जाता है ना। चलो बिन्नू दा, ए ताऊ जी चलो, और चलेंगे वहाँ और करते हैं भोजन। ये देखो बिन्नू के लाल 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 जामीरे, कितने रुपए किलो हैं ये बेच सकते हैं इसको, सही यार। चलो बिन्नू दा चलो। हेलो डॉन, की करूँ मैं, देख यार ऐसी बेइज्जती, गजब बेइज्जती है यार। दोस्तों देखो गांव कितना छोटा हो गया आजकल मतलब लोग ही नहीं है यार, पहली लोर है ये। और हम पहुंच गए हैं और हमारे लिए लग रहे हैं यहाँ पे 3 थाली लग चुकी हैं बुबू द्वारा। बिन्नू दा जा थाली लियो। तो दोस्तों यार अब हम अपना भोजन पानी करेंगे। देखो यार कई कम हो रहे हैं लोर में, और ऐसा कुछ सीन शॉट है, काफ़ी दिनों बाद आज खाने को मिलेगा हमें रसाई का खाना, वाह ये देखो। तो दोस्तों यार खाना पीना खा के हम आ गए हैं वहाँ से। तो आज सरकारी राशन था, क्या बोला तूने मतलब समझ जाओ कि ऐसे बरसी में गए थे खाने के लिए, सरकारी राशन बोलता हूँ मैं। और धूप लग रही है काफ़ी तगड़ी वाली, सूरज दादा कहीं इधर पहुँच चुके हैं। तो यार थोड़ा सो जाता हूँ, यार थोड़ा पढ़ाई में मन लगता है, देखते हैं अभी रेस्ट का टाइम है, फिर मिलते हैं आपसे बाद में शाम को। सो गाइस अभी हो रहा है शाम का समय, और आज जैसा कि वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा जो हमारी ट्रिप हो रही है उसके बारे में। और दिन का सीन आपने देखा, बिल्कुल हमने सरकारी राशन खाने जाना था, उसके बाद मैं आपको अभी मिल रहा हूँ जस्ट मतलब 4-5 घंटों बाद, थोड़ा काम भी था। तो मैं बताता हूँ आपको कि हमारी ट्रिप होने वाली है यहाँ से पिथौरागढ़ से बाहर, यानी कि नेपाल। तो हम जा रहे हैं गाइज नेपाल में, एक मंदिर पड़ता है त्रिपुरा सुंदरी, तो वहाँ की ट्रिप है, 2-3 दिनों या 4 दिनों की ट्रिप हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था आपको, हम घूमने आए हैं और अभी भाई हमारे साथ हैं। तो अब ये हमें यहाँ से पिथौरागढ़ से त्रिपुरा सुंदरी, और त्रिपुरा सुंदरी के बारे में जो जो इन्होंने रिसर्च करी है, पढ़ा है, वो चीज़ बताएंगे एक बार कुछ हो जाए। त्रिपुरा सुंदरी यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर दूर है, झूलाघाट से कम 14 किलोमीटर आगे पड़ता है त्रिपुरा सुंदरी, नेपाल में। नेपाल में इंडिया और नेपाल बॉर्डर में है त्रिपुरा सुंदरी। तो यहाँ से हम पहले झूलाघाट जाते हैं, फिर वहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं त्रिपुरा सुंदरी के लिए, फिर वहाँ से जाते हैं। अप्रॉक्स 14 किलोमीटर पड़ता है और काफ़ी बड़ा मंदिर है। 2 और 3 तारीख को वहाँ मेला लगने वाला है, काफ़ी बड़ा मेला होता है। पिथौरागढ़ से काफ़ी लोग आते हैं और नेपाल से भी आते हैं, काठमांडू से आते हैं। नेपाल का केदारनाथ माना जाता है एक हिसाब से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को, मैंने पूछा था ना दोस्तों, मैंने सुना था कि जो घाट काली का मंदिर है उनकी छोटी बहन माना जाता है माँ त्रिपुरा सुंदरी को। तो दोस्तों यार देख लो, अभी भाई ने इतनी चीज़ें बता दी हैं और काफ़ी तगड़ा हमारा ट्रिप रहने वाला है एक दिन के लिए। 3 तारीख को अभी भाई भी शायद आने वाले हैं उधर, और मैं तो जा रहा हूँ 2 को, क्योंकि मेरा दोस्त के साथ, आपने एक व्लॉग देखा होगा मेरा, क्या कहते हैं कॉलेज वाला, कुछ कॉलेज की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी टाइप का। 3 भाई थे, करण तिवारी, मैं और दीपांशु धामी, हम तीनों जाएंगे पहले 2 को, फिर शायद 3 को अभी भाई लोग भी मिलें। वैसे तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसा कि भाई ने बताया दिया काफ़ी तगड़ा वीडियो होने वाला है, तो मज़ा आ जाएगा ट्रिप में, बस यही बताना चाह रहा था मैं। और अगर आपको त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का इतिहास भी जानना है तो
कल या परसों उसकी वीडियो भी आ जाएगी उसके बारे में। उसका रिसर्च करके मैं जाने के दिन 2 से पहले शाम के टाइम पे डाल सकूँ शायद, तो मैं लास्ट में सनसेट दिखाता हूँ और ट्रिप के लिए वो हो जाऊँ मतलब रेडी हो जाओ। तो दोस्तों सामने का सनसेट बाकी आप देख ही सकते हैं रोज की जैसा है, और हम लोग फिलहाल यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अभी भाई ने आपको बता ही दिया बाकी, और अभी आग आग जलाते हैं थोड़ी देर में। तो ऐसा कुछ रहने वाला है ट्रिप, और ट्रिप में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कल जाने से पहले 2 से पहले शायद एक और वीडियो आएगा, और फिर पिथौरागढ़ टू झूलाघाट, झूलाघाट टू क्या कहते हैं नेपाल त्रिपुरा सुंदरी, फिर एक दिन वहीं दोस्त के घर रहेंगे और झूलाघाट की मार्केट वगैरह घूमेंगे, फिर 5 तारीख को वापसी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चैनल पे बने रहना तब तक के लिए, चैनल को शेयर कर दो दोस्तों में। कल अभी भाई के साथ दोबारा मिलता हूँ, कल मिलते हैं यहीं इसी जगह।